हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट या हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से शुरू होता है और एनस पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम उसी एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। हमने इसका ट्रांसवर सेक्शन कट कर दिया और जब हमने इसके अंदर की लेयर देखी कि भाई बना किस चीज़ से है, कौन सी लेयर्स इस एलिमेंट्री कैनाल को फॉर्म कर रही हैं, तो वो हमें पता लगा कि यहाँ पे हमने चार लेयर्स जो है वो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमारा बना रही है। चार लेयर्स, आउटर मोस्ट से लेके इनर मोस्ट देखेंगे, आउटर मोस्ट से लेके इनर मोस्ट देखेंगे। सबसे बाहर की लेयर जो है दैट इज सेरोसा, जिसको हम विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की दैट इज सेरोसा, जिसको हम विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं। बिल्कुल अंदर, सेरोसा के बिल्कुल अंदर एक लेयर जो आ रही है उसको हम बोलते हैं मस्क्युलारिस। सेरोसा के अंदर की लेयर जो है दैट इज मस्क्युलारिस। मस्क्युलारिस के अंदर की लेयर, मस्क्युलारिस के अंदर की लेयर है सब म्यूकोसा और सबसे अंदर की लेयर है म्यूकोसा। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि बाहर से अंदर की लेयर्स जो कौन सी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरोसा के बारे में। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सेरोसा या फिर विसरल पेरिटोनियम बोलेंगे। अब ये जो लेयर है इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथीलियम, स्क्वैमस एपिथीलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो सेरोसा है ये बनी हुई है स्क्वैमस एपिथीलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। सेकेंड पार्ट हमें सेरोसा लेयर में याद रखना है, विच इज इट इज कॉन्टिन्यूस विद द मेसेंट्री। अब ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है मेसेंट्री के। नाउ व्हाट इज मेसेंट्री, मेसेंट्री मतलब जो हमारी जो बॉडी वॉल है उसके साथ जितने भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स हैं वो जुड़े होंगे किसी ना किसी तरीके से। तो ये क्या है, ये टिश्यू से जुड़े हुए हैं बहुत सारे, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसके नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, मेसेंट्री। तो जो हमारे आउटर मोस्ट लेयर है विच इज सेरोसा या फिर विसरल पेरिटोनियम, इट इज कॉन्टिन्यूस विद मेसेंट्री। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सेरोसा के अंदर ये पढ़ेंगे कि जो हमारा ईसोफेगस है, जो हमने कल ही पढ़ा था कि हमारी माउथ कैविटी से फूड कहाँ जाता है, ओरोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स से जाता है ईसोफेगस में और ईसोफेगस से कहाँ जाता है, स्टमक में। तो जो हमारा ईसोफेगस है ये हमारे सिलोम में नहीं आता, ये हमारी बॉडी कैविटी में नहीं आता, तो जिसकी वजह से ये क्या है, सेरोसा से कवर नहीं है। जो हमारा ईसोफेगस है ये हमारे सिलोम में या बॉडी कैविटी में नहीं आता है, इसीलिए ये क्या है, सेरोसा से कवर नहीं है। इनस्टेड ये इररेगुलर, इनस्टेड ये कवर्ड है विद इररेगुलर डेंस इलास्टिक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इनस्टेड ये किससे कवर्ड है, जो हमारा ईसोफेगस है वो किससे कवर्ड है, डेंस इररेगुलर इलास्टिक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हमने क्या बोला, एडवेंटिशिया एक्सटर्ना। तो यही सेरोसा जो है ये ईसोफेगस में किससे बना हुआ है, एडवेंटिशिया एक्सटर्ना। नेक्स्ट जो हमारी बाहर की लेयर है सेरोसा, उसके अंदर की लेयर के बारे में पढ़ेंगे, विच इज मस्क्युलारिस। अब नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे मस्क्युलारिस, तो जो हमारे जो सबसे हार्डेस्ट जो हमारा मसल्स है, यहाँ पे बहुत सारे मसल्स जो है वो पाए जाएंगे। अब मस्क्युलारिस लेयर जो है, यहाँ पे दो तरीके के मसल्स होते हैं, जो आउटर पार्ट पे होते हैं, जो बाहर से अगर हम देखें सेरोसा के बिल्कुल अंदर के टाइम पे हमारे पे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब कि ये मसल जो है ये लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड है, लॉन्गिट्यूडिनली पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अरेंज्ड है, और लॉन्गिट्यूडिनल दीज आर द आउटर मस्क्युलारिस मसल्स। अब मस्क्युलारिस के अंदर यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के अंदर कौन से मसल्स प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल्स, यानी कि सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है। इसके अराउंड हमारे क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है। सो दीज आर द सर्कुलर मसल्स, एंड आउटर में अगर हम देखें सेरोसा के अंदर और सर्कुलर के बाहर, तो दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो मस्क्युलारिस जो लेयर है यहाँ पे क्या है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मसल फाइबर्स।
नेक्स्ट, अब यहाँ पे स्टमक में, स्टमक में सर्कुलर मसल्स के अंदर भी एक ऑब्लीक ऑब्लीक मसल्स की लेयर होती है स्टमक में. स्टमक में क्या होती है? ऑब्लीक मसल लेयर होती है इनर टू द सर्कुलर मसल फाइबर्स. तो सर्कुलर मसल फाइबर्स के अंदर भी एक ऑब्लीक मसल लेयर होगी, मसल फाइबर्स की लेयर होगी, किसमें? स्टमक में. अब ये किससे बने हुए हैं? जैसे हमने ये पढ़ा था कि सेरोसा जो है वो स्क्वैमस एपिथीलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है. तो जो हमारे मस्कुलारिस है ये स्मूथ मसल से बने हुए हैं. स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स में से जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल से बने हुए हैं और इनर क्या है? सर्कुलर स्मूथ मसल से बने हुए हैं. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल्स के बीच में एक नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट है, एक नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट है एंड पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है. वहां पे क्या प्रेजेंट है? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बिल्कुल बीच में एक नेटवर्क प्रेजेंट है नर्व सेल्स और पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स का, जिसको हम बोलेंगे ऑर्बैक्स प्लेक्सस या मायेंट्रिक प्लेक्सस, उसका दूसरा नाम है. ये आपका यहाँ पे है ऑर्बैक्स प्लेक्सस. ये क्या कर रहा है? ऑर्बैक्स प्लेक्सस जो है ये क्या है? नर्व सेल्स के नेटवर्क से बना हुआ है और इसमें क्या है? पैरा सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स. अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ये कंट्रोल करता है पेरिस्टॉल्सिस को. पेरिस्टॉल्सिस को ये कंट्रोल करता है. पेरिस्टॉल्सिस मतलब जैसे हम खाना जैसे गल्प करते हैं तो उसको, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टॉल्सिस. तो उसे कंट्रोल कौन करता है? जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलारिस लेयर के बाहर वाले लॉन्गिट्यूडनल मसल और अंदर वाले सर्कुलर मसल्स के बिल्कुल बीच में देर इज अ नेटवर्क, देर इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स इन पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स विच इज नोन एज ऑर्बैक्स प्लेक्सस या फिर मायेंट्रिक प्लेक्सस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मस्कुलारिस. अब इसके और अंदर आ जाते हैं. दिस लेयर, दिस लेयर इज सब म्यूकोसा. अब यहाँ पे क्या है? सब म्यूकोसा अंदर की लेयर. इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव. ये किससे बनी हुई है? ये सब म्यूकोसा जो लेयर है इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं और नर्व सेल्स हैं. ठीक है, तो नर्व्स हैं यहाँ पे, ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फ सेल्स हैं और सब म्यूकोसा जो लेयर है इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. अब यहाँ पे जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ सी शेप्ड, जो हमने पार्ट पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन का, फर्स्ट पार्ट पढ़ा था हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, सेकंड हमने पढ़ा था जेजनम और थर्ड हमने पढ़ा था इलियम. तो यही जो सब म्यूकोसा लेयर है, ठीक है, ड्यूडेनम के अंदर ये क्या बनाती है? बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. जो सब म्यूकोसा लेयर है ड्यूडेनम के अंदर वो उसमें क्या है? बहुत सारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है. थर्ड हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे. जैसे कि यहाँ पे हमने ऑर्बैक्स प्लेक्सस पढ़ा था, वैसे ही सब म्यूकोसा में क्या है? मीजनर्स प्लेक्सस या फिर सब म्यूकोसल प्लेक्सस प्रेजेंट है. यहाँ पे क्या है? देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स. So there is a network of nerve cells and sympathetic nerve fibers, जिसको हम क्या बोलेंगे? Mesenteric plexus और submucosal plexus. अब यहाँ पे mesenteric plexus या submucosal plexus का रोल क्या है? Orbex plexus का रोल था peristalsis को कंट्रोल करना. अब mesenteric plexus का रोल है control the secretion of, to control the secretion of intestinal glands. Right? So this is very important. नीड के हिसाब से. अब हम जाएंगे सबसे अंदर वाली लेयर पे. दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो दिस इज म्यूकोसा. अब म्यूकोसा क्या करती है? ये ल्यूमन, जो ये ल्यूमन है इसको लाइन करती है. सेकेंड, ये जो म्यूकोसा है, ये जो म्यूकोसा है स्टमक में, ये इरेगुलरली फोल्डेड है. स्टमक में ये इरेगुलरली फोल्डेड है, वहां पे इसको बोलेंगे रगे.
और स्मॉल इंटेस्टाइन में यही म्यूकोसा क्या बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, विलाए, जो कि हमने कल उसको पढ़ लिया। स्टमक में क्या बनाती है, रगे बनाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या बनाती है, विलाए बनाती है। अब म्यूकोसा जो है इसको फर्दर तीन लेयर्स में डिवाइड कर दिया है, म्यूकोसा को फर्दर थ्री लेयर्स में हमने डिवाइड कर दिया है। सबसे बाहर की लेयर है मस्कुलारिस म्यूकोसा, उसके अंदर है लैमिना प्रोप्रिया, और सबसे अंदर की लेयर है एपिथीलियम, और एपिथीलियम के सबसे अंदर क्या है हमारे पास, ल्यूमेन है, जहाँ से फूड जो है वो पास ऑन है। अब जो मस्कुलारिस म्यूकोसा है, इसकी भी दो लेयर्स हैं, जो बाहर की लेयर है इट इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, एंड अंदर की लेयर जो है इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स। जैसे हमने यहाँ पे मस्कुलारिस लेयर में देखा था, वैसे ही हमारे पास जो म्यूकोसा की मस्कुलारिस म्यूकोसा लेयर है उसमें भी बाहर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, और अंदर की साइड क्या है, सर्कुलर मसल्स है। अब लैमिना प्रोप्रिया जो मिडल लेयर है, लैमिना प्रोप्रिया वेरी इंपॉर्टेंट लेयर म्यूकोसा की, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो एपिथीलियम है, जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा की, यहाँ पे क्या है, एपिथीलियम यहाँ पे प्रेजेंट है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकम, जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकम है ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या है, विलाए जो है, विलाए के बीच की जो स्पेसेस होती हैं इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकम। और स्टमक में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है और विलाए बनाती है। अब ये जो एपिथीलियम है ये स्टमक में बनाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बनाती है विलाए एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। This was all about histology of alimentary canal or histology of human gut. तो next हम start करेंगे digestive glands के बारे में।